यूपी एलटी के टीचर मैथमेटिक्स एंड टीजी टीपीएससी मैथ्स के लिए जीपी यानी कि गुणोत्तर श्रेणी ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस, इसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियोस नंबर है फर्स्ट। तो जीपी जो सीरीज होती है, जैसे कि ए ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4, इस तरह की जो सीरीज होती है वो गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे ए होता है प्रथम पद, प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। ठीक है, और आर होता है कॉमन रेशो, कॉमन रेशो यानी कि सर्व अनुपात, सर्व अनुपात। इस श्रेणी में सभी पदों का अनुपात समान होता है। ठीक है, एंड जो पहली वाली एपी होता था उसमें सर्व अंतर होता था, डिफरेंस समान होता था, परंतु जिस जैसे ये श्रेणी है 2, 4, 8, 16 ये जीपी में है, देखिएगा कैसे जो आर होता है दूसरे पद को पहले से डिवाइडिंग करें, तीसरे को दूसरे से, चौथे को तीसरे से, तो इनका जो रेशो है वो समान आना चाहिए, कॉमन रेशो यानी कि सर्व अनुपात समान आना चाहिए। तो वो श्रेणी जिसमें सभी पदों का सर्व अनुपात समान होता है गुणोत्तर श्रेणी कहलाती है, यानी कि जीपी कहलाती है। ठीक है, इस सीरीज को जीपी श्रेणी यानी गुणोत्तर श्रेणी कहलाते हैं। इसके एनवे पद का फॉर्मूला होता है एन बा पद यानी कि एनथ टर्म, एनथ टर्म, एनथ टर्म इक्वल टू होगा ए आर की पावर एन माइनस का वन, एनथ टर्म ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, और इसका अंतिम पद यानी कि लास्ट टर्म, अंतिम पद या लास्ट टर्म ये भी होता है एल इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन। ठीक है, एल इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस वन होता है। ठीक, अगर तीन पद ए बी सी आर एन जी पी और ये जी पी में है, देन बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए सी। अगर तीन पद ए बी सी जी पी में होते हैं तो बी स्क्वायर ए सी के इक्वल हुआ करता है। बाकी क्वेश्चन आते रहेंगे, फॉर्मूले आगे बताते चले जाएंगे। पहले स्टार्टिंग यहाँ से हो रहा है, स्टार्टिंग फॉर्मूले हो चुके हैं, इन पर डिपेंड अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन है हमारा के के प्लस का वन एंड के प्लस का थ्री जी पी में है, जी पी में है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, के का वैल्यू हमको याद करना है, के का वैल्यू बताना है, के का वैल्यू कितना होगा। ठीक है, इसको ए मान लें, इसको बी मान लें, इसको सी मान लें, एंड ए बी सी आर इन जी पी, देन बी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए सी, बी की जगह है के प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू के एंड के प्लस का थ्री, बटे फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पे और यहाँ करेंगे मल्टीप्लाइंग एट, ये हो जाएगा के स्क्वायर प्लस का थ्री के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हुआ, टू के प्लस वन इक्वल टू थ्री के, यानी वन इक्वल टू थ्री के माइनस का टू के, तो वन इक्वल टू के, यानी के इक्वल टू वन आ चुका है। के का वैल्यूज फाइंड करना था, सीरीज इसमें नहीं बतानी, के का वैल्यू निकालना था, के का वैल्यूज आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, किसी जीपी का ए यानी कि प्रथम पद दिया है एंड आर भी दिया है, सर्व अनुपात भी दिया है, प्रथम पद दिया है, सर्व अनुपात ये कॉमन रेशो, श्रेणी ज्ञात करना है, सीरीज बताना। सीरीज होती है ए आर, ए आर स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख दें ए आर स्क्वायर, ए आर क्यू, इस तरह से हुआ करती। ए अंडर रूट टू ही है, ए आर हो जाएगा रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू यानी कि वन हो जाएगा, रूट टू इंटू वन अपॉन रूट टू का स्क्वायर यानी कि ये रहेगा, कैंसिल हो गया, वन पॉइंट रूट टू आ गया। यहाँ पे ए आर क्यूब तीन बार रहेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा वन पॉइंट टू, तो सीरीज बन जाएगी हमारी रूट टू वन, वन पॉइंट अंडर रूट टू, वन पॉइंट टू, इस तरह से आती चली जाएगी, वो होगा गुणोत्तर श्रेणी यानी कि ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह का हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 842 डॉट डॉट का 128 का अंत से चौथा पद, अंत से चौथा पद बताना है। शायद हमने अंत से एनवे पद का फॉर्मूला नहीं लिखा है, ये फॉर्मूला होता है अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद होगा एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन, फॉर्मूला ये लिखना भूल गए हैं, अंत से एनवा पद होता है एल अपॉन आर की पावर एन माइनस वन। यहाँ पे एल क्या था, 1/28, एल यानी कि लास्ट टर्म 1/28 था। चौथा पद निकालना, कॉमन रेशो यहाँ पर चेक कर लेंगे, आर है 4/8 या 2/4 यानी कि 1/2। यहाँ हमको लेना था अंत से एन, चौथा पद यानी एन बराबर 4 हो जाएगा,
एल अपॉन आर की पावर 4 माइनस 1 एल अपॉन आर की पावर 3। एल का वैल्यू है 1/28 एंड आर है 1/2 की पावर 3। 1/28 अपॉन 1/8, 2 × 4 × 8, तो 8/128 काटा, 4 × 8 4 × 12 4 × 8 1/32 यानी कि 1/16 इसका आंसर आ चुका है। अंत से चौथा पद 1/32 2/32 होता, नहीं 2/32 ही है। ओफ माइंड बोला सही, लिखा गलत गया, 2/32 यानी कि 1/16। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी जीपी के चौथे, सातवें और दसवें पद एबीसी हैं। चौथा पद है ए, सातवां पद है बी एंड दसवां पद है सी। प्रूफ करना है वी स्क्वायर बराबर ए सी, ये हमको लाना है। ठीक है, वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, इसमें वैल्यूज फाइंड करना है, वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी लाना है। तो देखते हैं चौथा पद, यहाँ पे ए दिया है ना, यहाँ प्रथम पद को कैपिटल ए मान ले रहे हैं, ए आर की पावर 4 − 1 चौथा पद है इक्वल टू ए, यानी कि ए आर की पावर 3 इक्वल टू स्मॉल ए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लेंगे। सातवां पद है ए आर की पावर 7 − 1 इक्वल टू बी, यानी कि ए आर की पावर 6 इक्वल टू बी, इक्वेशन नंबर 2। दसवां पद यानी कि ए आर की पावर 10 − 1 इक्वल टू सी, ए आर की पावर 9 इक्वल टू सी, इक्वेशन नंबर 3। हमको प्रूफ करना है बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर दे रहे हैं ए बी एंड सी का, ए ये बी ये सी। तो बी की वैल्यू है ए आर की पावर 6 का स्क्वायर, ए का वैल्यू है ए आर की पावर 3 एंड सी का वैल्यू है ए आर की पावर 9, ये क्वेश्चन 2 था। ठीक है, वैल्यूज पुट किया, ये ए स्क्वायर आर की पावर 12, ये ए स्क्वायर आर की पावर 12 हो गया, इक्वल आ गया, देन अतः वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी प्रूफ हो चुका है, वैल्यूज आ गया वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ट्रिकी क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस होता है, जीपी में कुछ टेक्निकल क्वेश्चन हुआ करते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स वाले क्वेश्चन होते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास 4 2 1 का कौन सा पद 1/128 है। ठीक है, 1/128 है, इसका कौन सा पद 1/128 होगा। ठीक है, तो ये हमको फाइंड करना है कौन सा पद 1/128 होगा, यानी कि फर्स्ट टर्म ए इक्वल टू 4 है, आर इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2। माना एन बा पद 1/128 है, एन बा पद यानी कि ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 1/128, ए का वैल्यू पुट किया, आर का वैल्यू भी पुट किया, 1/128 हो गया। ठीक है, तो 4 उधर मल्टीप्लाइंग में चला जाएगा, 1/2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/4 × 128, तो 4 को लिखेंगे 2 × 2 एंड 128 का फैक्टर 2 × 4 × 8 × 16 × 32 × 64 × 128, तो 2 की पावर हो रहा है 4 × 3 = 7 और 2 वहाँ, तो 1/2 की पावर 2 एंड 2 की पावर 7, 1/2 की पावर 9, 1/2 की पावर n माइनस 1, यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 9, कंपेयरिंग द पावर्स यानी n इक्वल टू आ जाएगा 10, तो 10वां पद 1/128 होगा। 1/2 की पावर n माइनस 1, 1/2 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1/2 की पावर 9, कंपेयरिंग द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 9, n माइनस 1 इक्वल टू 9, देन n इक्वल टू हो गया 10। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, इस टाइप में हो सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है जैसे 1/4 का नवा पद ज्ञात करना, नवा पद बताएंगे यानी एनवा पद के फॉर्मूला लगाएंगे, ए इक्वल टू 1 है, आर इक्वल टू 4/1 यानी कि 4 है। ठीक है, एनवा पद होता है ए आर की पावर एन माइनस 1, तो नौवा पद हो जाएगा ए आर की पावर 9 − 1 यानी ए आर की पावर 8। ठीक है, ए है फर्स्ट एंड आर है हमारा 4 की पावर
फोर की पावर एट इसका आंसर आ चुका है, या टू की पावर एट, तो टू की पावर 16 इसको लिख सकते हैं। ज़्यादा कहें तो वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे भी छोड़ा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माइनस का 27 वन अपन 9 माइनस का 113 का कौन सा पद, 729 है, कौन सा पद 729 होगा, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करना है, यानी ए इक्वल टू हैगा माइनस का 1/27, आर इक्वल टू होगा 1/9 अपॉन माइनस का 1/27, माइनस का 27/9 यानी कि -3। माना एन बापद 729 है, एन बापद हो जाएगा ए आर की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 729, यानी माइनस 1/27, आर है माइनस का 3 की पावर एन माइनस 1 इक्वल टू 729। तो यहाँ हो जाएगा माइनस, इसको 27 को उधर ले जाएंगे, 3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 27 इंटू 729, इनके फैक्टराइज कर लिए जाएंगे। तो फैक्टर्स करने के बाद बनेगा माइनस का 3 की पावर n माइनस 1 माइनस 3 की पावर 3, 3 3 9 27, 729 होता है, 3 से काटेंगे, 3 दो 6, 3 चौक 12, 3 3 9, 3 8 24, 3 इक 3, 3 से 27 बार, 3 9 27, 3 3 9, 3 इक 3, 4 दो 6, यहाँ का 3 की पावर 6, यानी कि यहाँ माइनस 3 की पावर 9 इसको लिखा जा सकता है, क्योंकि ओड नंबर में जो है साइन माइनस ही रहता है, माइनस 3 की पावर 9 ये बन जाएगा। ठीक है, तो कंपेयरिंग द पावर n माइनस 1 इक्वल टू 9, n इक्वल टू 10, यानी कि उसका दसवा पद 729 होगा। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया था हमने, हो चुका है। एक क्वेश्चन है हमारा, T1, T2 and T8 GP के पद हैं, यानी T1 दिया है x की पावर माइनस का 4, T2 दिया है x की पावर k एंड T3 दिया है x की पावर 52। देन प्रूफ करना a इक्वल टू b इक्वल टू c, ये क्वेश्चन भी आ चुका है, अच्छा क्वेश्चन है। T1 यानी कि पहला पद, T2 दूसरा पद, T3 यानी कि तीसरा पद। T1 पहला पद है यानी कि a होगा, a इक्वल टू x की पावर माइनस का 4, T2 है तो ar होगा, दूसरा पद है x की पावर k, T3 है तो ar स्क्वायर होगा x की पावर 52। ठीक है, अब ए बी सी कहाँ से आया, ए बी सी का तो इसमें कोई मतलब ही नहीं है। T1, T2 एंड T8 से, ओहो ना नीचे वाले क्वेश्चन का उतर गया, सॉरी। T1, T2, T8 है, उसमें T3 नहीं है, T8 है, तो ये x की पावर ar की पावर 7 हो जाएगा। देन प्रूफ करना है k का वैल्यू, से यहाँ पे फाइंड करना है, k इक्वल टू लाना है, k इक्वल टू आएगा कुछ 4। ठीक है, k का वैल्यू से इसमें निकालना है, ये जीपी में है, T1, T2, T3 जीपी में है, यानी कि जो बीच वाला टर्म में T2 का स्क्वायर, अगर ये जीपी में है, T2 का स्क्वायर इक्वल टू होगा T1 × T8, ये होगा T2 स्क्वायर, यानी AR वगैरह कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है शायद, यानी कि x की पावर k का स्क्वायर इक्वल टू x की पावर -4 × x की पावर 52 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाइंग लेंगे, x की पावर 2 के इक्वल टू x की पावर 52 में से 4 कटाएगा 48, क्या गलती हो गया है, 58 है, माइनस 4 है, ठीक है, T2 का स्क्वायर, T1, T2, T8 जी पी के क्रम से x की पावर -4, x की पावर के x की पावर 52 है, k का वैल्यूज फाइंड करना, तो k तो यहाँ से बहुत ज़्यादा आ रहा है इस हिसाब से, तो ये फॉर्म लगाते हैं तो 2k = 48 है, यानी k = 24 आएगा, जबकि k = 4 आ रहा है केवल। T1, T2, T8 पद दिया है, और हमको लग रहा है यहाँ वाली फॉर्म से T1, T2 के स्क्वायर से कुछ सेट नहीं कर रहा है,
चलो यहीं से इनको डिवाइडिंग करके देखते हैं, यहीं से शायद आ जाए आंसर। इसका आ जाता है, आसान क्वेश्चन है, हो सकता है कि टी एट ना हो। चलो देखा जाएगा जो हो। डिवाइडिंग करते हैं, ए तो हमें पता ही है, ए आर अपॉन ए यानी कि एक्स की पावर के अपॉन एक्स की पावर माइनस फोर, देन आर इक्वल टू आ गया एक्स की पावर के प्लस फोर, आर आ गया ए आ गया, ठीक है। आर एन ए हमको मालूम है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं, ए आर की पावर सेवन इक्वल टू एक्स की पावर 52, ए का वैल्यू है एक्स की पावर माइनस का 4 एंड एक्स की पावर के प्लस 4 की पावर 7 हो जाएगा, एक्स की पावर 52 हो जाएगा। तो यहाँ होगा एक्स की पावर माइनस का 4 एंड एक्स की पावर 7 के प्लस 28 इक्वल टू एक्स की पावर 52, पावर इसको ऐड कर लेंगे तो एक्स की पावर हो जाएगा 7 के प्लस का 24 इक्वल टू एक्स की पावर 52। कंपेयरिंग द पावर्स, पावर्स यानी घातों की तुलना करने पर हो सकता है कि उससे सेट नहीं कर रहा था, तो T1 T2 ऐसे ही बढ़ दिए, ठीक है। तो 7K प्लस का 24 इक्वल टू 52 यानी कि 7K इक्वल टू 52 माइनस का 24, देखते हैं आता है कि नहीं। 12 में से 4 गए 8 बजे और 4 में से 2 गए तो आ गया के इक्वल टू 4, यहाँ तो आंसर निकल आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ए बी सी जी पी में है, ए पी और जी पी दोनों में है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ए बी सी ए पी में भी है एंड ए बी सी जी पी में भी है, देन प्रूव करना ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ए बी सी ए पी में है तो बी इक्वल टू होगा ए प्लस सी बाई टू, जी पी में है तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी होगा। दोनों को सेट करा के यानी कि बराबर करा देते हैं, कहीं ना कहीं आपस में वैल्यू इक्वल आ जाएगा, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी आ जाएगा, जैसे हमको निकालना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ठीक है। जब ये बराबर आ जाएंगी तभी हमारी इससे बात बन पाएगी, अब देखिएगा कैसे बराबर आती हैं। तो बी स्क्वायर अगर कर देते हैं, ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन फोर, बी स्क्वायर की वैल्यू ए सी यहाँ पे पुट किया, ए प्लस सी का स्क्वायर अपॉन फोर यानी कि 4 ए सी इक्वल टू ए प्लस सी का हाल ऑफ स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस का 2 ए सी इक्वल टू 4 ए सी, देन नेक्स्ट लाइन हो जाएगा एक ए स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का 2 ए सी इक्वल टू 0, ए माइनस सी का स्क्वायर इक्वल टू 0, ए माइनस सी इक्वल टू 0, ए इक्वल टू सी, ए इक्वल टू सी आ चुका है। यहाँ में कहीं वैल्यूज पुट कर देते हैं, वी स्क्वायर इक्वल टू ए सी में तो ए इक्वल टू सी है, देन वी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, वी इक्वल टू ए आ जाएगा। ए इक्वल टू क्या क्या आ चुका है, एक तो आ गया ए इक्वल टू बी आ गया एंड ए इक्वल टू सी आ गया, देन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यही हमको प्रूव भी करना था, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, आपस में ये तीनों बराबर होंगे।